केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच शुक्रवार को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और स्थानीय पत्रकार को गोली मारने की धमकी दी गई। पत्रकार ने भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमेर प्रताप को मामले की शिकायत दी है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी पत्र लिखकर इस संबंध में अवगत कराया गया है। पुलिस जांच में पाया गया कि यह धमकी भरा फोन हिसार जिले के गांव शिकारपुर से किया गया है और जिस नंबर से धमकी दी गई है वह उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति के नाम दर्ज है। इस मामले में पुलिस की दो टीमें जांच में जुटी हैं। गौरतलब है कि हाल ही में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बयान देकर किसान आंदोलन में विदेशी ताकतों का हाथ होने की आशंका जताई थी। कथित तौर पर इस बयान को प्रकाशित करके भिवानी के एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संचालक को अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके धमकी दी थी। थाना सदर प्रभारी निरीक्षक विधानंद का कहना है कि आईपीसी की धारा 294 506 के तहत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आज मुकेश रोहिला जो हरियाणा की आवाज नामक जो अखबार निकलता है उसके मालिक हैं, संपादक हैं, उन्हें जब वो घर बांग्ला से निकल रहे थे तो किसी टेलीफोन नंबर से कॉल आई। भी उन्होंने जो किसान आंदोलन के बारे में बाइट दी है या खबर छापी है वो गलत है, जिसके बारे में गलत सलत जो है ना उस आदमी ने रोहिला जी को धमकी दी है और मंत्री जी के बारे में अपशब्द कहे, जिस संबंध में सदर थाना भिवानी में एक FIR लॉन्च की गई है और साइबर सेल की टीम और सदर थाना की टीम जो है ना उस नंबर की तलाश के लिए भेज दी गई है और तुरंत हम जो है इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किस प्रकार के धमकियाँ क्या क्या धारा है? अभी तक जो बाइट जो फोन है कॉल जो दी गई है रोहिला जी द्वारा उसमें किसान आंदोलन से संबंधित जो बाइट दी गई थी उसी के संबंध में इनको धमकी गई कि भाई तुम किसानों के बारे में आप लोगों ने ये कैसे कह दिया, अगर भाई ये बिके हुए लोग हैं या उस बारे में कहा कि भाई अगर आप लोग इस टाइप का काम करोगे तो फिर गलत होगा और इन्हें मारने तक की धमकी दी है। अभी तक जो फ़ोन नंबर आया है वो यूपी का नंबर है और उसके बाद से वो फ़ोन बंद है, हमने उसको चेक करवा लिया लेकिन हमने अपनी टीमें बंद करवा दी, वहाँ भेज दी हैं, साइबर की टीम भी भेज दी है, हमारी सदर की टीम भी गई है और हमारी जो एंटी व्हीकल थेफ्ट की टीम है वो भी वहाँ गई है और हम कोशिश करेंगे इस व्यक्ति को जल्द ही काबू करेंगे।